हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा मौर्या, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं धनिए की हरियाली आलू की चाट, यानी कि आलू की चटपटी चाट बनाने वाले हैं, जो कि धनिया, हींग, हरे लहसुन से बनेगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है। गाँव में लोग सर्दियों के सीज़न में अक्सर इसे बना के खाते हैं, वो भी तब जब खेतों में नई नई आलू तैयार हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि ताज़ी ताज़ी आलू खेतों से लेकर आते हैं और ऐसी चटपटी चाट सर्दियों में बना के खाते हैं। तो जिसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नई आलू लिया हुआ है, जो अभी इस टाइम आ रही है मार्केट में। यहाँ पर आपको जितना आलू बॉयल करना है आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg के आसपास आलू लिया हुआ है बॉयल करने के लिए। आलू को हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। 3 से 4 सीटी आने तक आलू को बॉयल करेंगे, जब तक हम देख लेते हैं कि मसालों में क्या क्या चाहिए। आलू की चाट बनाने के लिए आपको बनाना होगा हरे लहसुन, धनिया और हरी मिर्च की चटनी। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया लिया हुआ है और 3 से 4 हरे लहसुन लिए हैं और जितना तीखा खाना हो उतना सारा हरा मिर्च। तड़का लगाने के लिए हमने मसालों में लिया हुआ है 1 चम्मच हींग है और 1 चम्मच मेथी दाना है और काफ़ी सारा छिला हुआ लहसुन। तड़का लगाने के लिए आप हरे लहसुन को बारीक काट कर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आता है। तो जिसके लिए मैं 1 से 2 हरे लहसुन अलग कर ले रही हूँ। बाकी ये 2 हरे लहसुन, इतना सारा हरा मिर्च और धनिया, इन सबको हम बारीक काट लेंगे। इसके बाद इसे एक मिक्सर जार में डालकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं इस पेस्ट को बनाने के लिए। आपको बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अगर कहीं बड़ा पार्ट रह भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है जब बीच बीच में मुंह में आता है। तो अगर यहीं पे आप इस चटनी में नमक ऐड कर लें तो ये कम्प्लीटली एक चटनी तैयार हो गई है। तो आप इसे बॉयल किए हुए आलू के साथ सिंपल खा सकते हैं और किसी भी रेसिपी के साथ आप इसे खा सकते हैं चटनी को। तो आलू भी हमारी बॉयल हो चुकी है। आलू को हम निकाल लेंगे बाहर और अभी इसका छिलका हमें निकाल लेना है। नई आलू का छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, अगर आलू ठंडी हो जाएगी तो छिलका निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो आलू जब हल्की गर्म हो तभी आप छिलका बाहर निकाल लें। सारे आलूओं को छिलने के बाद आपको इसे पीसेस में कट कर लेना है। आप इसे चाकू की सहायता से भी कर सकते हो और हाथों की सहायता से भी आप इसे फोड़ सकते हो। बहुत ज़्यादा बारीक पीस नहीं करना है, कुछ इस तरह से तैयार करना है। और इसे बनाने के लिए आप लोहे की कढ़ाई का यूज़ करें, उसमें चाट का सोनापन बहुत ही अच्छा आता है। और ऑयल यूज़ करने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की स्मेल और उसका सोनापन चाट को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है। जब हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ऐड किया। मेथी दाना जब हमारी रोस्ट हो जाए तो साथ में ही हम लहसुन ऐड कर लेंगे। लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। साथ में ही हम ऐड करेंगे हींग। हींग का फ्लेवर आलू में बहुत ही अच्छा आता है, एकदम देसी स्वाद लेकर आता है ये। तो लहसुन हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, अभी हमने हींग ऐड करा और हरे लहसुन के पत्ते भी हम साथ में ही ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो जल जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे आलू के पीसेस। सर्दियों में जो नई वाली आलू आती है उसको बॉयल करके खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ख़ासकर जब आप ऐसे तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सच कह रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स और इसे आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से भूनते रहिए। जितने अच्छे से आप इसे भूनेंगे चाट का सौंधापन उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये जो मसाले हैं सारे आलूओं पर मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। अभी यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जिस तरीके से मैं आलू को भून रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप कलछी को चला के आलू को भूनते रहिए, ताकि आलू के पीसेस टूटे नहीं, बिना टूटे आलू अच्छे से भून जाए। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे हाई मीडियम फ्लेम पर भून सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस विंटर सीजन में आप इसे ज़रूर बनाइए। सर्दियों के मौसम में ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। लहसुन और मेथी दाना तो वैसे भी विंटर के लिए फ़ायदेमंद ही है,
और साथ में इसमें हरे लहसुन और हरा धनिया खाने के स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। आलू हमारी अच्छे से भुन चुकी है, धनिये की हरियाली, आलू की चाट हमारी रेडी है। अभी इसे हम गर्म गर्म सर्व करेंगे और इसे अच्छा लुक देने के लिए ऊपर से करेंगे धनिये के पत्ते से गार्निशिंग और थोड़े से नींबू भी डालेंगे। जिसको खट्टा खाना हो वो नींबू डाल के भी खा सकता है। तो हमारी चटपटी विंटर सीजन हींग धनिया लहसुन वाली आलू चाट बनकर हो गई है रेडी और अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस सर्दियों में आप इसे गर्मा गर्म बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। बच्चों से लेकर बड़ों तक ही सबको बहुत ही पसंद आएगा और इसे बनाने के लिए आप नई आलू का ही इस्तेमाल करें। सर्दियों में तो आलू का सीजन होता है और आलू खेतों में तैयार होती है। तो गांव में लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें बनाना होता है तो वो ताज़े ताज़े आलू खेतों से लेकर आते हैं और बनाते हैं। उसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि मैंने खाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी और नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।